दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिस पर इंडिया में अभी हाल फिलहाल में कोई भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये स्टार्टअप बिजनेस आइडिया जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम से हमारे आसपास में रहने वाले बहुत सारे लोग सफर करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जान तक चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस तरीके का स्टार्टअप कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ स्टार्टअप मार्केट में चल रहे हैं और उनमें से एक कंपनी ऐसी है जिसने पिछले 8 साल में 3 करोड़ 25 लाख US डॉलर की फंडिंग उठाई हुई है। इसको अगर हम इंडियन करेंसी में करें तो टोटल हो जाएगा 18 अरब रुपए से भी ज्यादा। सो दोस्तों आप खुद सोचिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना ज्यादा स्कोप है। अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप भी जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी कंपनी के अंदर इतनी ज्यादा फंडिंग आएगी तो आपको भी पैसे मिलने वाले ही हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको 4 स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया था, जिसमें से ये भी एक पर्टिकुलर स्टार्टअप बिजनेस आइडिया था और मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाइए क्योंकि उनको ये स्टार्टअप शुरू करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है और आप सॉल्यूशन कितने तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपको खुद की टीम बनानी पड़ेगी या आप किसी बाहर की कंपनी से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके अलावा कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों आज का जो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है वो इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड है। देखिए अगर आप ये स्टार्टअप शुरू करते हैं तो जो लोग इमरजेंसी में फंसे हुए हैं उनको आप प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, उनको बचा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों आप कौन से लोगों को इमरजेंसी से बाहर निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनके साथ रोड एक्सीडेंट होता है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें से सिर्फ 1% इंडिया के अंदर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 11% इंडिया के अंदर होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले साल ही आई थी 2021 के अंदर, उसमें यह बताया गया कि पूरे साल भर के अंदर इंडिया के अंदर 4.5 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और रोजाना हर 4 मिनट में कोई ना कोई एक आदमी एक्सपायर होता है। इसके अलावा दोस्तों ऑन एन एवरेज पूरे साल भर में 1.5 लाख लोग एक्सपायर हो जाते हैं। अब दोस्तों हमारे देश में इतने ज्यादा रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि रोड की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। अब दोस्तों हम लोग रोड की कंडीशन को तो सुधार नहीं सकते क्योंकि वो सरकार का काम है, लेकिन दोस्तों जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है उनको हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए जिन लोगों के साथ भी एक्सीडेंट होता है उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाते हैं और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाते वक्त बीच में ट्रैवलिंग के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों जो लोग ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो ट्रैवलिंग के दौरान एक्सपायर हो जाते हैं उनको हम बचा सकते हैं। अब उनको कैसे बचा सकते हैं यह समझने के लिए सबसे पहले हमको करंट सिचुएशन समझनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया के नहीं होते, वो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनको आसपास के हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। और दोस्तों जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, डिस्कशन करने लग जाते हैं कि इसका क्या करें, इसको कहां लेकर जाएं, इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और उसके बाद में एम्बुलेंस आती है, उसको रखा जाता है और वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो बीच का टाइम होता है जब ट्रैवलिंग की जाती है उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों इसकी जान बचाई जा सकती थी अगर दोस्तों ऑन द स्पॉट लोगों को सॉल्यूशन पता होता तो वो इंस्टेंटली कुछ ना कुछ एक्शन लेते और शायद इस आदमी की जान बच सकती थी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है हमारे स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों दूसरी सिचुएशन ऐसी है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती या फिर उनकी उम्र इतनी ज्यादा होती है कि वो हॉस्पिटल तक जा नहीं सकते या फिर आसपास का जो भी क्लिनिक होता है वहां पे जा नहीं सकते, डॉक्टर से मिल नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर को इनके प्लेस पे आना पड़ता है। अब दोस्तों आप खुद जानते होंगे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता और जब भी वो किसी पेशेंट को मिलने आते हैं तो उसके लिए उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब दोस्तों ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए किसी की सिचुएशन खराब होती है और अगर उसको डॉक्टर को बुलाना है तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर आ नहीं सकता क्योंकि वो भी किसी ना किसी पेशेंट के साथ होगा, इसके अलावा जो पेशेंट है वो भी डॉक्टर तक जा नहीं सकता, तो इसमें बहुत बार कंडीशन बिगड़ जाती है। तो दोस्तों हमारे स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के थ्रू हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और कंडीशन है जिसमें लोग इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो उनको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों जब भी हम ट्रैवल करते रहते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि आसपास में कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, कौन सी क्या चीज़ है। अब ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, डॉक्टर की जरूरत पड़े, तो दोस्तों उनको ढूंढने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों उनका टाइम भी हम बचा सकते हैं हमारे स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के थ्रू। तो दोस्तों अब स्टार्टअप बिजनेस आइडिया क्या है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि आप शुरू करेंगे लेकिन अभी तक शुरू कर नहीं पाए? तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए, उस बुक का नाम है हाउ आई क्विट गूगल टू सेल समोसास। दोस्तों अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो इस बुक की समरी आपको मिल जाएगी कुकू FM पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बुक की समरी सुनने के बाद में आपको रियलाइज
होगा कि आपको अपने आइडिया को स्टार्टअप में क्यों एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने हाई पेइंग जॉब को छोड़कर भी अपने स्टार्टअप को क्यों करते हैं। तो दोस्तों बुक समरी आपको मिल जाएगी कुकू FM पे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इन्होंने हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए बहुत सारी बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम बुक्स को कभी भी और कहीं भी सुन सके। बुक्स पढ़ने के लिए हमको अलग से टाइम निकालने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं इनके प्लेटफॉर्म पे आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी जैसी और भी लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स मिल जाएगी जिनको आप आसानी से कभी भी सुन सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 3000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जिनको सुनकर आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों कुकू FM 100% मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है। और अगर मैं इनके गूगल प्ले स्टोर रेटिंग की बात करूं तो इनकी रेटिंग है 4.5। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो आपको भी ये प्लेटफॉर्म जरूर यूज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मतलब कमाओ कमाए दो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है। कुकू FM का एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। आपको सिंपली एक कूपन कोड यूज करना होगा, वो कूपन कोड है KAKD50। ये कूपन कोड और कुकू FM का लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, कूपन कोड को अप्लाई करना है, आपको स्ट्रेट अवे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना होगा जिसके ऊपर इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई इमरजेंसी में होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वहां से चीजों को चेक करेगा और उस सर्विस को ऑप्ट कर लेगा। देखिए दोस्तों अगर हम पहली सिचुएशन को देखें जिसमें रोड एक्सीडेंट होता है, तो देखिए जब भी किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसके आसपास के जो लोग भी होंगे वो तुरंत हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहां पे ये चेक करेंगे कि हमारे आसपास में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है। तो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएंगे, फटाफट उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, इससे जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी सिचुएशन थी जिसके अंदर पेशेंट डॉक्टर के पास जा नहीं सकता और पेशेंट को ये चाहिए कि उसके घर पे डॉक्टर आ जाए, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास ज्यादा पेशेंट्स नहीं होते या फिर जिन्होंने हाल फिलहाल में डॉक्टरी पास की हो और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे डॉक्टर्स पेशेंट के यहाँ पे जा सकते हैं, उनको इमरजेंसी में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको जो तीसरी सिचुएशन बताई थी उसके अंदर क्या होता है, लोग ट्रैवल करते रहते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आसपास का जो भी हॉस्पिटल होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, उनकी डिटेल मिल जाएगी और उनसे वो सर्विस ले पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम बिल्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो हमको ये प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत क्या है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है उन पे आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करके उनके पास जा सकते हैं। डॉक्टर आपके यहाँ पे नहीं आता, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म में हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स को पेशेंट के यहाँ पे भेजेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो सिर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें खाली इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हो, सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे आपके प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो ऐसा प्लेटफॉर्म भी बिल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर वो सारी सर्विसेज भी अवेलेबल हो जो ऑलरेडी मार्केट में अभी अवेलेबल है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको टेस्ट करवाना है तो उसके लिए आप किसी को बुला सकते हैं, और दोस्तों साथ ही साथ में अगर आपको मेडिसिन की जरूरत है तो उसको भी आप ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी सर्विसेज अभी आपको मिलती है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर ये सारी सर्विसेज तो अवेलेबल होगी होगी, इसके साथ साथ जो मैंने आपको सर्विसेज बताई वो भी अवेलेबल होगी। तो इससे क्या होगा कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे आप थोड़े से अलग दिखेंगे, लोग आपके प्लेटफॉर्म को यूज करना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों की जान भी बचती है और साथ ही साथ में लोगों का टाइम भी बचेगा। अब दोस्तों टाइम कैसे बचेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब भी हम किसी डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो हमको वहां पे बहुत देर इंतजार करना पड़ता है। जब भी डॉक्टर के पास कोई दूसरा पेशेंट होता है जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा हमको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स को पेशेंट के यहाँ पे भेज रहे हैं, तो इससे क्या होगा उनका टाइम बचेगा, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो अपने घर पे ही डॉक्टर्स को बुला सकते हैं और उनको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप ये स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे आप कौन से ऑप्शंस रखने वाले हैं। देखिए जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया सिर्फ आप वो रखेंगे या फिर ऑलरेडी जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी रखने वाले हैं। मैं मान के चलता हूं कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जिसके अंदर वो ऑप्शन भी होंगे जो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है वो भी होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सबके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हो और सबके लिए अलग अलग पैनल्स हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई पेशेंट लॉग इन करता है तो उसको क्या क्या चीजें दिखाई देनी चाहिए, इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर लॉग इन करता है उसको क्या क्या चीजें दिखाई देनी चाहिए, इसके अलावा दोस्तों जो लैब टेस्ट वाला है अगर वो लॉग इन करेगा तो उसको क्या क्या चीजें दिखाई देनी चाहिए, जो डिलीवरी का काम करेगा उसको क्या क्या चीजें दिखाई देनी चाहिए, और साथ ही साथ में दोस्तों एक एडमिन पैनल भी होना चाहिए। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, सबके लिए एक पैनल होना चाहिए और सबको अपने पैनल में लॉग इन करने के बाद में क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए वो सारे ऑप्शन वहां पे होने चाहिए। तो दोस्तों आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप सारे एम्प्लॉय
इसको खुद हायर करें और उसके बाद में उनसे डेवलपमेंट का काम करवाएं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, आप किसी ऐसी कंपनी को हायर करें जो आपके लिए प्लेटफॉर्म बिल्ड करके देगी। अब दोस्तों मान लीजिए आप एम्प्लॉयज को हायर करना चाहते हैं तो आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी और कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों आपको टोटल 7 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला एक आदमी आपको चाहिए होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म होगा उसका जो फ्रंट पैनल होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, वो सारी चीजें डेवलप करने के लिए आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बैक एंड डेवलपर की भी जरूरत पड़ेगी। अब बैक एंड डेवलपर क्या काम करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बैक एंड में जो आपका सर्वर होता है उसके ऊपर जो डेटा होता है वो जो बैक एंड है वो आपके फ्रंट एंड के साथ प्रॉपरली काम कर सके। जब भी कोई यूजर कुछ रिक्वेस्ट करे किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए तो वो डेटा प्रॉपरली सर्वर से यूजर को मिल सके। ये सारी चीजें कनेक्टिविटी का जो काम होता है वो बैक एंड डेवलपमेंट का काम होता है। तो दो लोग यहां पे हो गए। इसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है एंड्रॉइड और iOS डेवलपर की जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो टोटल हो गए 4 लोग। इसके अलावा दोस्तों एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो पूरे प्रोजेक्ट को देखेगा कि सारी चीजें स्मूथली चल रही है कि नहीं चल रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2 आपको टेस्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ये टेस्टर क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपके प्लेटफॉर्म को टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई बग तो नहीं है, सारी चीजें स्मूथली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कोई भी बग फाइंड आउट होता है, कोई चीज प्रॉपरली काम नहीं करती है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये डेवलपर को बताएंगे ये पर्टिकुलर चीज प्रॉपरली चल नहीं रही है, इसको आप सही कीजिए। तो दोस्तों आपको टोटल 7 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करवाना चाहते हैं तो। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जितने भी लोग होंगे इनकी सैलरी होगी पर मंथ की बिटवीन 30,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच में। तो आप मान के चलिए हर महीने आपको लगभग 5,00,000 रुपए सैलरी पे करनी होगी। तो दोस्तों मान के चलिए कि अगर आपका प्लेटफॉर्म डेवलप होने में 1 साल लग जाता है तो आपके पास कम से कम 50,00,000 रुपए से लेकर 60,00,000 रुपए होने चाहिए ताकि आप उनको रेगुलरली सैलरी दे सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्लेटफॉर्म किसी ऐसी कंपनी से डेवलप करवाते हैं जिनके पास पूरी टीम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका कॉस्टिंग और भी ज्यादा हो सकता है। जितना लंबा प्रोजेक्ट जाएगा उतना ही ज्यादा पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 एम्प्लॉयज मैंने आपको बताया ये पूरे बिजनेस को रन करने के लिए नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया उसके ऊपर डेटा भी भरना पड़ेगा, मतलब देखिए जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ जाके टाइप करना पड़ेगा, लेबोरेटरी के साथ जाके टाइप करना पड़ेगा, इसके साथ साथ जो मेडिकल वाले हैं उनके साथ जाके टाइप करना पड़ेगा, तो इनके लिए भी आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों आप यूं मान के चलिए कि अगर आप इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 20-25 एम्प्लॉयज होने चाहिए और आपके पास कम से कम 50,00,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को अच्छे से अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे तो आप इस बिजनेस को अच्छे से कर नहीं पाएंगे और आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये मेक श्योर कीजिए कि अगर आप इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास फंडिंग अवेलेबल हो। ये फंडिंग आपके पास खुद की भी हो सकती है या फिर आप किसी इन्वेस्टर से भी फंडिंग लेके इस तरीके का काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसा स्टार्टअप शुरू करता है तो वो कितने तरीके से पैसे कमा सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं पर ट्रांजेक्शन के ऊपर आप एक सर्टन कमीशन रख सकते हैं, तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई कस्टमर दवाइयां मंगाता है तो दवाइयां जितने भी अमाउंट की होगी उसका एक सर्टन कमीशन आप रखेंगे। इसके अलावा कोई लैब टेस्ट करवाता है तो उसका भी आप कमीशन रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को बुक करता है तो डॉक्टर को जितना पैसा वो देगा तो उसका भी एक सर्टन कमीशन आप रखेंगे। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं दूसरा तरीका ये है, आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, उतना ही जो अलग अलग हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड ब्रांड है वो चाहेंगे कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ब्रांड का अवेयरनेस करवाएं, अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाएं, तो जिसके लिए वो आपको पैसे देंगे। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं अगर आप इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करते हैं तो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कुकू FM का लिंक और कूपन कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड को अप्लाई कीजिए, आपको स्ट्रेट अवे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।